हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुप्रिया और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की रेसिपी और इसे कैसे बनाना है। आज हम बनाने वाले हैं मखाने और मुरमुरे की बहुत टेस्टी और चटपटी नमकीन, जो चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 टीस्पून क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च, 1 से 2 चुटकी हींग, नमक स्वाद के अनुसार लगेगा और टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी 1 टीस्पून और कुछ करी लीव्स हैं। इसके साथ साथ मैंने लिया है 3 कप पफ्ड राइस यानी कि मुरमुरा, 1 कप मखाना यानी कि फॉक्स नट या लोटस सीड और 1 कप मूंगफली यानी कि पीनट। मेजरिंग कप्स के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। और मैंने लिया है 1 टीस्पून चाट मसाला, जिससे इसमें एक बहुत चटपटा टेस्ट आएगा, और 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे ऑयल। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, हम डालेंगे इसमें पीनट और इन्हें सुनहरा होने तक यानी गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। ये देखिए मूंगफली हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है और अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे हींग, जीरा, जीरा चटकने लगा है और अब हम इसमें डालेंगे सूखी हुई लाल मिर्च। इसे कुछ सेकंड भूनना है। ये देखिए जीरा गोल्डन ब्राउन हो गया और अब हम इसमें डालेंगे करी लीव्स। करी लीव्स हमेशा हमें थोड़ा संभल के डालना चाहिए क्योंकि इसमें मॉइस्चर होता है तो इसके छींटे पड़ सकते हैं। करी लीव्स भी हमारी फ्राई हो चुकी है और अब हम इसमें डालेंगे टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, नमक स्वाद के अनुसार। ऑयल के साथ ही हम नमक डाल रहे हैं जिससे कि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे मखाने। और बस ज्यादा नहीं, 30 से 40 सेकंड मखानों को भूनना है जिससे कि ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाएंगे। और अब हम इसमें डालेंगे पफ्ड राइस यानी कि मुरमुरा। इसे भी लगातार चलाते हुए हमें इसमें मिक्स करना है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है हमें। नमक हमने पहले ही डाल दिया इसलिए अभी डालने की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने सफेद वाला जो नॉर्मल नमक होता है वो यूज किया है। आप चाहे तो काला नमक भी यूज कर सकते हैं। बहुत जल्दी नमकीन बन जाती है और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि हल्का फ्राई होने के कारण मुरमुरे में क्रंच आ जाता है। जब नमकीन ठंडी हो जाए तो इसे आप एयर टाइट कंटेनर में रखें और चाय या कॉफी के साथ इसका मजा लें। ये जो हमने पीनट्स फ्राई किए थे ये भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये पूरी कुकिंग मैंने लो मीडियम फ्लेम पर ही की है। ऊपर से इसमें हम डालेंगे चाट मसाला और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मुरमुरे की नमकीन बहुत टेस्टी लगती है और ये 5 से 6 मिनट में बन करके तैयार हो जाती है। तो ये लीजिए हमारी मखाने और मुरमुरे की चटपटी नमकीन बन करके बिल्कुल तैयार है। चाय या कॉफी के साथ आप इसे खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है नमकीन और ठंडा होने के बाद इसे एयर टाइट कंटेनर में भरकर आप कई दिनों तक रख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।